हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ADS लिप लाइनर का रिव्यू। मैंने रिसेंट में उनको परचेज़ किया है एंड दीज आर द लिप लाइनर्स एंड दीज आर फ्रॉम ADS ब्रांड। मैंने सिर्फ 4 परचेज़ किए हैं। वैसे आपने अगर देखा होगा इसका कंप्लीट सेट आता है जिसके अंदर आई थिंक 12 पीसेज हमें मिलते हैं, बट मैंने उसको कंप्लीट सेट ना खरीद के मुझे ये लोकल स्टोर पे ही मिल गए थे ऐसे ही लूज में, तो मैंने इसको सिंगल पीसेस करके अपना एक कलेक्शन बनाया। क्योंकि मैंने कंप्लीट पैकेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने भैया के पास देखा था, शॉप वाले भैया के पास, कि जब उन्होंने मुझे दिखाया था तो इसके अंदर जो बाकी के शेड्स रिमेनिंग है, यानी कि 4 मैंने खरीदे हैं, इसके अलावा जो बाकी शेड्स मैंने देखे थे लगभग सारे ना पिंक से रिलेट करते हुए थे, पिंक से मिलते जुलते कलर थे। तो यार क्यों पैसे वेस्ट करने, मतलब पूरा पैकेट मैंने इसलिए नहीं खरीदा। तो मैंने सिर्फ 4 शेड्स खरीदे हैं जो जो मुझे ठीक लगे। तो अगर आप इसका कंप्लीट पैक लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। बट आप ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको ये लोकल में मिल जाते हैं, लोकल स्टोर्स पे अगर आप मिल जाते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप वहीं से जाके सिंगल पीस ही खरीदिए। कोई फ़ायदा नहीं है पूरा पैकेट लेने का क्योंकि लगभग इसके अंदर मिलते जुलते कलर्स ही आपको मिलेंगे। तो मैं आपको जल्दी से शेड्स दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से शेड्स लिए हैं। तो पहला शेड जो मैंने लिया है वो है ये कौन सा शेड है, हाँ, तो ये शेड मैंने अभी राइट नाउ वेयर भी किया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा शेड है। चारों शेड में से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड यही लग रहा है मुझे। ये पिंक कलर का शेड है, मैंने इस वक्त इसको वेयर भी किया हुआ है। तो ये मेरा पहला शेड है एंड सेकंड नंबर पे जो मैंने लिया है वो ये रेड कलर का है, मतलब रेड कह लो आप इसको, चेरी रेड आप इसको कह सकते हो। ये रेड कलर का शेड है, इनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ना इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनका जो कलर पिगमेंटेशन है, जो कलर पे ऑफ है, बहुत अच्छा है। थर्ड कलर मैंने ये लिया है, ये है कुछ और जैसे अनियन का कलर होता है, लाइक अनियन पिंक वाला, अनियन वाला जो पिंक कलर होता है ये वो है। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनका कलर पे ऑफ ही लगा, मतलब सिंगल स्वाइप में ही ना हमें अच्छा सा कलर मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार रगड़ना पड़ रहा है या रब करना पड़ रहा है, सिंगल स्वाइप में ही जो है काफ़ी अच्छा कलर पे ऑफ ही हमें दे रहे हैं। तो यार 20 रुपीज़ में और क्या चाहिए, मतलब आपको लिप लाइनर भी मिल रहा है एंड आपको लिप लाइनर भी मिल रहा है वो भी पिगमेंटेड। एंड लास्ट मैंने ये कलर लिया है, ये बिल्कुल न्यूड सा कलर है एंड मुझे तो इस टाइप के शेड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं कोई लिपस्टिक लेती हूँ तो मैं एक न्यूड कलर उसके अंदर ज़रूर लेती हूँ। तो फोर्थ मैंने लास्ट ये वाला शेड लिया है एंड आप देख सकते हैं सारे शेड्स बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। तो इन लिप लाइनर्स की मुझे अच्छी बात ये लगी कि इनके साथ ना हमें अलग से शार्पनर लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर ये जो इनके कैप हैं, आप ये जो कैप देख रहे हैं इसमें हर एक के अंदर आपको शार्पनर मिलेगा। लाइक जैसे मैं आपको दिखाऊं, इन सभी के अंदर आपको सिंगल पीस के साथ भी आपको हर एक के साथ शार्पनर मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आप कह सकते हैं कि फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि ट्रैवलिंग में यही होता है कि एक चीज़ के साथ फिर उससे रिलेट करता हुआ हमें दूसरा प्रोडक्ट भी साथ रखना पड़ता है। बट इसके साथ अगर आप सिर्फ एक लिप लाइनर भी कैरी करते हो एवरीडे मेकअप में, अगर आप अपने एवरीडे कॉलेज वगैरह में या फिर ऑफिस वगैरह में आप सिंगल एक अपना लिप लाइनर जो भी आप वेयर करते हो आप उसको भी कैरी करते हो, तो उसके साथ आपको अलग से शार्पनर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये मैट है, यानी तो ये दिखने में तो मैट है, लगाने के बाद भी इनका लुक मैट ही आता है, बट ये ट्रांसफ़र होते हैं। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये ट्रांसफ़र होते हैं, बिकॉज़ यार 20 रुपीज़ में हम ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। अगर हमें इतना भी मिल रहा है तो दैट्स क्वाइट इनफ। तो मुझे इसकी क्वालिटी वाइज प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अगर मैं आपको इसके अमेज़ॉन पे जो कंप्लीट सेट है उसके बारे में बताऊँ तो वो आई थिंक आपको 250 या 300, यानी 250 या 300 रुपीज़ तक में आपको मिल जाएगा। तो मैंने तो फिलहाल इसको सिंगल ही परचेज़ किया है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी कंप्लीट सेट लेने में। तो आप इन लिप लाइनर्स को एवरीडे में यूज़ कर सकते हैं, कहीं कॉलेज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 5 to 6 hours इनका स्टेइंग पावर, ये स्टेइंग पावर जो है वो 5 to 6 hours तक की है, 5 से 6 घंटे आराम से टिक जाते हैं लिप्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा वेल पिगमेंटेड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। एंड इसके अंदर और भी सारे शेड्स हैं, आप देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे इसके शेड्स और भी सारे मिल जाएंगे। एंड आप देखिए लगाने के बाद ये बिल्कुल मैट लुक दे रहा है, कहीं से भी ग्लॉसी नहीं लग रहा है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं हमारे लिप्स के, ये वहाँ से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी जो है ब्लीड नहीं करेगा कहीं से भी, बिल्कुल टिका रहेगा, 5 से 6 घंटे तक आराम से टिक जाएगा आपके लिप्स के ऊपर। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगी जिससे मैंने सारे लिप स्वैचेस भी आपको दिखाए हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सो या दैट वॉज माई रिव्यू एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हैं।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।